वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में प्रोजोनोवा टैबलेट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोजोनोवा टैबलेट्स का प्राइस रेट क्या होता है। तो देखिए, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। इसमें आपको 28 टैबलेट मिलती हैं। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एस्ट्राडियोल वैलरेट, जो कि 2 mg में मिलता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन टैबलेट्स का काम क्या होता है और ये शरीर में जाकर क्या करती हैं। तो बेसिकली ये जो गोलियां, ये हॉर्मोन्स की गोलियां होती हैं। क्यों लिखी जाती हैं, क्यों प्रेस्क्राइब करी जाती हैं? तो देखिए, चाहे मेल बॉडी की बात करें या फिर फीमेल बॉडी की, दोनों ही बॉडीज में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। अब ये जो गोलियां हैं, ये सामान्यतः फीमेल्स को ज़्यादा प्रेस्क्राइब करी जाती हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी में एक हॉर्मोन होता है एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन हॉर्मोन के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार एस्ट्राडियोल का होता है। अब ये जो गोलियां हैं, ये एस्ट्राडियोल हॉर्मोन को रिप्लेस करने का काम करती हैं। मतलब कि अगर फीमेल बॉडी में एस्ट्राडियोल हॉर्मोन की कमी है तो उसके लेवल को इंक्रीज कर देती हैं। अगर फीमेल बॉडी में एस्ट्राडियोल हॉर्मोन बनता ही नहीं है किसी वजह से, तो ये उसके लेवल को इतना कर देती हैं जितना कि हमें एक स्पेशल टाइम पीरियड पर चाहिए होता है। अब इसमें से बात निकल कर आती है कि ये जो गोलियां, ये क्यों प्रेस्क्राइब करी जाती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं? तो देखिए, ये जो गोलियां हैं, ये सामान्यतः फीमेल्स को डॉक्टर के द्वारा यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली परत होती है, लेयर होती है, जिसको एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, उसकी थिकनेस को मोटा करने के लिए यूज़ की जाती हैं। मतलब कि फीमेल बॉडी की जो बच्चेदानी है, उसकी अंदर वाली परत, जिसको एंडोमेट्रियम परत बोलते हैं, उसकी मोटाई को इनक्रीज़ करने के लिए ये गोलियां प्रेस्क्राइब करी जाती हैं। होता ये है कि जब फीमेल्स की मासिक चक्कर की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसको D1 बोलते हैं, और D1 से ही एस्ट्राडियोल हॉर्मोन का लेवल फीमेल बॉडी में धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है, एंडोमेट्रियम परत, उसकी मोटाई धीरे धीरे इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज इसलिए होती है ताकि कुछ टाइम के बाद जब ओवल्यूशन होता है, मतलब कि जब अंडा फूटता है, और इस टाइम अगर फीमेल अपने मेल पार्टनर के साथ में रिलेशन बनाती है, तो जो अंडा फूटा वो फर्टिलाइज हो जाता है, और ये फर्टिलाइज अंडा यूट्रस में जाकर, मतलब कि बच्चेदानी में जाकर इसी परत के साथ अटैच होता है, जुड़ता है। इसे मेडिकल लाइन में इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो मोटा मोटा ये हिसाब किताब है कि एक अच्छे गर्भधारण के लिए, मतलब कि एक अच्छे इम्प्लांटेशन के लिए, एंडोमेट्रियम की मोटाई का एक अच्छी मात्रा में होना जरूरी होता है। अगर ये मोटाई ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो इम्प्लांटेशन के फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। एंडोमेट्रियम की जो ये परत है, इसकी मोटाई 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा का होना अच्छा माना जाता है एक अच्छे इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरी तरफ, अगर अंडा जो है फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये अंडा यूट्रस में ही जाता है, और कुछ टाइम के बाद ये जो लाइन मोटी हुई थी, यही लाइन टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है ब्लीडिंग के रूप में, जिसे हम सामान्यतः मासिक धर्म की ब्लीडिंग कहते हैं या फिर पीरियड्स ब्लीडिंग बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो गोलियां हैं, ये डॉक्टर के द्वारा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा करने के लिए लिखी जाती हैं, स्पेशली IVF के केसेस में, IUI के केसेस में, या फिर ओवल्यूशन इंडक्शन के टाइम, या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के केसेस में भी ये गोलियां सामान्यतः लिखी जाती हैं। इसके अलावा अगर गर्भ अवस्था के दौरान किसी भी समय अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है टाइम से पहले, या फिर स्पॉटिंग हो रही है, तो भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ये गोलियां दूसरे हॉर्मोन्स के साथ प्रेस्क्राइब करी जाती हैं। इसके अलावा अगर फीमेल्स की एज 45 प्लस है, और मेनोपॉज के जो साइनो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे वजाइनल ड्राइनेस या फिर मूड स्विंग होता है, कईयों को जो बोन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा उनकी लो हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इन टैबलेट्स का यूज़ होता है। मेल्स में भी इन गोलियों को प्रेस्क्राइब करा जाता है प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में, और भी काफ़ी सारी कंडीशन होती है जहां पर इन टैबलेट्स को लिखा जाता है, बट सामान्यतः मोस्ट ऑफ द केसेस इस टैबलेट को कंसीव कराने के लिए और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेस्क्राइब करा जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी डोसेज क्या रहती है। तो सामान्यतः जो इसकी डोज है वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है, मतलब कि आप इन टैबलेट्स को किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो।
इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 6 mg पर डे की होती है 24 आवर में, मतलब आप 6 mg यूज़ कर सकती हो। एक गोली 2 mg की होती है, मतलब कि दिन में 3 बार 24 आवर में 3 बार आप इन टैबलेट्स को ले सकते हो। एज़ यूजुअल अगर आपका केस IVF IUI का है, ओवुलेशन इंडक्शन का है, तो दिन में 2 बार ये टैबलेट्स दी जाती हैं। बट अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी रहती है एस्ट्राडियोल की, तो दिन में 3 बार आप इन टैबलेट्स को ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में इन टैबलेट्स को लेते हो, तो इन टैबलेट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये गोलियाँ कैसे लेनी होती हैं और कितने टाइम तक लेनी होती हैं। तो सामान्यतः ये जो गोलियाँ ये पानी के साथ खाना खाने के बाद आपको लेनी होती हैं, कितने दिनों तक लेनी होती है, कब स्टार्ट करनी होती है, तो देखिए ये भी आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है और किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है। जो IUI IVF के केसेस होते हैं उसमें हमें जो एंडोमेट्रियम की परत है वो काफ़ी अच्छी चाहिए होती है, उसकी जो थिकनेस है वो अच्छी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग डे 1 से इन टैबलेट्स को लेने के लिए बोलते हैं। अगर ओवुलेशन इंडक्शन की बात करें, तो ओवुलेशन इंडक्शन में क्लोमिफेन साइट्रेट या फिर लेट्रोजोल हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को लेने के लिए, जिसका कोर्स 5 दिन का होता है, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग इन टैबलेट्स को 5 दिन तक लेने के लिए बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन टैबलेट्स को आपको पूरे पीरियड साइकिल तक लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इन टैबलेट्स के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए ये जो गोलियाँ ये हॉर्मोन्स की गोलियाँ होती हैं, और एस्ट्राडियोल नेचुरली जो है फीमेल बॉडी में पाया जाता है। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर लोगों को बहुत डाउट रहता है, स्पेशली कि उनको वेट गेन होता है इन टैबलेट्स को लेने से। तो हाँ, बेशक इन टैबलेट्स को लेने से वेट गेन होता है, बट हम लोग जो आगे हार्मोनल सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं उनसे आपका जो वेट गेन हुआ था वो रिड्यूस भी हो जाता है। ठीक है, तो वेट गेन होना नॉर्मल है। ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वजाइनल डिस्चार्ज होना, एब्डोमन पेन होना, लोअर एब्डोमन पेन, बैक पेन होना, पेट में गैस का होना, नोजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग, हेडेक, ये इन टैबलेट्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि टाइम के साथ अपने आप ख़त्म हो जाते हैं जब आप इन टैबलेट्स का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। आगे हम लोग इन टैबलेट्स के रिगार्डिंग पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि क्या इन टैबलेट्स से वेट गेन होता है। तो हाँ, इन टैबलेट्स को यूज़ करने से वेट गेन होता है। नंबर 2 कि इन टैबलेट्स को लेने से क्या ओवुलेशन पर इंपैक्ट पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन टैबलेट्स को लेने से आपको ओवुलेशन हो जाता है, और जो डॉक्टर आपको इन टैबलेट्स को लेने के लिए एडवाइस कर रहे हैं वो मॉनिटर भी करते हैं कि आपको प्रॉपर डे पर ओवुलेशन होगा कि नहीं होगा, जिसके लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है या फिर अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी लगातार मॉनिटर किया जाता है, और ओवुलेशन किस दिन होगा, किस दिन आपको रिलेशन बनाना है, वो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये गोलियां क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि अगर आप इन टैबलेट्स के साथ में डाइनोजेस्ट टैबलेट्स का यूज़ करते हो, तो ये जो गोलियां हैं ये एज ए बर्थ कंट्रोल पिल का काम करती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इन टैबलेट्स को लेना प्रेगनेंसी में सेफ होता है। तो बेशक इन टैबलेट्स को लेना प्रेगनेंसी में सेफ होता है, बट 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक आप इन टैबलेट्स को बेझिझक किसी भी टाइम पर यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।